टर्की सीरिया में जो नेचुरल डिजास्टर आया है उसके बारे में तो आप सब जानते हो, लेकिन जो बंगाल में इतने लंबे समय से मैनमेड डिजास्टर चल रहा है उसके बारे में आपको कुछ पता है? नहीं पता होगा। 9 फरवरी की रात को 2 बजे बंगाल के इस्लामपुर में दो मंदिरों पर अटैक होता है, एक माता काली का मंदिर और एक राधा कृष्ण का मंदिर। माता काली के मंदिर में माता काली की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है और राधा कृष्ण के मंदिर में माता राधा की मूर्ति पर से पहले कपड़ों को उतारा जाता है, उसके बाद गर्दन काटी जाती है और श्री कृष्ण के मुँह पर काली इंक लगा दी जाती है। पिछले महीने ही 6 जनवरी को बंगाल के पंचकूरा में शिव मंदिर की रेनोवेशन करने वाले हिंदुओं पर अटैक हो जाता है कि भाई तुम मंदिर की रेनोवेशन क्यों कर रहे हो। आए दिन बंगाल से ऐसे कितने केसेस आते हैं, बड़ी मुश्किल से एक आधे जो होते हैं वो रिपोर्ट हो पाते हैं, और वो ये 2 केसेस है जो रिपोर्ट हो पाए हैं, और 2 भी नहीं एक ही हो पाया है, जनवरी वाला। फरवरी वाला तो अभी भी नेशनल मीडिया तक पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि बंगाल के अंदर सिचुएशन ये होती है कि जो रिपोर्टर्स ऐसी खबरों को रिपोर्ट करते हैं तो बंगाल की गवर्नमेंट जो होती है वो उन रिपोर्टर्स के अगेंस्ट में ही कंप्लेंट दर्ज करा देती है। 2009 में भी हुआ, 2016 में भी हुआ, और अभी वंदे भारत पर जब पत्थर फेंके गए थे ट्रेन पर, तो जिन रिपोर्टर्स ने इसकी रिपोर्टिंग करी थी कि ट्रेन पर पथराव हुआ है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हीं रिपोर्टर्स पर, उन्हीं जर्नलिस्ट पर कंप्लेंट दर्ज करा दी थी कि आपने ये रिपोर्ट क्यों किया। 9 फरवरी को जो अटैक हुआ है इसकी खबर भी मुझे मेरे एक फॉलोअर ने डीएम के माध्यम से बताई। पुलिस ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है, 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अभी भी पुलिस जो है वो कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, बट वो मुझे पक्का पता है कार्रवाई नहीं होने वाली है। जो लोग फैसिज्म का नारा देते हैं वो बंगाल के समय पर चुप हो जाते हैं। बंगाल के अंदर एक्चुअल में फैसिज्म नजर आ रहा है कि वहां पर लोगों को फ्रीडम ही नहीं है कि वो कुछ बोल भी सके।